चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धावाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फ्राइड राइस बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो सामान लिए हैं वो इस तरह लिए हैं। ये हरा धनिया लिया है, 2 शिमला मिर्च जो बारीक बारीक काट ली है, 2 बड़े प्याज लिए हैं, 1 टमाटर और 2 आलू जो बॉईल करके रख लिए हैं, ये चावल लिए हैं ये बॉईल कर लिए हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, राई ली है 1 चम्मच, हींग जो पिंच भर ली है, ये लौंग ली है 2, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और ये जो लहसुन है इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 नींबू लिया है, ये मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल के गरम चढ़ा दिया है और तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हम इसमें ये लौंग और हींग डाल देंगे, राई, जीरा, लहसुन, शिमला मिर्च, प्याज, इसे हम हल्का ब्राउन होने देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को हम हल्का सा नरम होने देंगे। अब हल्दी डाल देंगे, मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इसे हम ऐसे ही चलने देंगे ताकि जो हल्दी है वो अच्छे से पक जाए। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने पहले ही बॉईल कर लिए हैं। आलू डाल देंगे, ये भी हमने बॉईल कर लिए हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम ऊपर से धनिया डाल देंगे और 1/2 नींबू डाल देंगे। तो नींबू डालने से इसमें अच्छे से खटाई आ जाएगी तो ये खिल के निकलेंगे और इसे फिर हम अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि चावल और आलू हमारे पहले से बॉईल थे इसलिए ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम गैस बंद कर देंगे। ये फ्राइड राइस बनके तैयार है। इसे आप दही के साथ खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको ये फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आप इसके साथ शेयर ज़रूर करें। चॉकलेट मामी से मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।